हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंबिका शर्मा, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको थायराइड की समस्या की कुछ घरेलू टिप्स से कैसे दूर किया जा सकता है इसके विषय में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो मैं आपके लिए डेली बनाती हूँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के टॉपिक थायराइड के विषय में। थायराइड एक तिल्ली के आकार की ग्रंथि है जो गर्दन में श्वास नली के सामने होती है। थायराइड का कार्य हार्मोन को स्रवित करना है। ये शरीर के कामकाज को बदलता है और नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन T5 थायराइड हार्मोन है। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा सीधे रक्त में स्रवित होते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में भ्रमण करते हैं। थायराइड हार्मोन के स्तर में गड़बड़ी के कारण थायराइड से संबंधित रोग हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सामान्य थायराइड हार्मोन के शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखता है। ये रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। ये हड्डियां, पेशियां और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। आयुर्वेद में थायराइड से संबंधित रोग को अवटु ग्रंथि रोग कहा गया है। ये गलत खानपान एवं तनावपूर्ण जीवन जीने की वजह से होता है। ये वात, पित्त और कफ का असंतुलन और मुख्य रूप से वात और कफ विकार के कारण होता है। थायराइड जड़ से ख़त्म करने के लिए आप आयुर्वेदा अपना सकते हैं। आयुर्वेदीय उपचार द्वारा वात और कफ दोषों को संतुलित कर थायराइड का इलाज किया जाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका आप रोजाना अपने घरों में खान पान के रूप में उपयोग करते हैं। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग थायराइड रोग में बेहद फ़ायदेमंद होता है। थायराइड होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन पर असर पड़ता है, आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा होने से थायराइड ग्रंथि विशेष रूप से प्रभावित होती है। ये अनुवांशिक भी हो सकता है। यदि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी ये समस्या हो रही हो तो उसके होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। खाने में सोया उत्पाद के अधिक उपयोग से भी ये हो सकता है। दोस्तों, कुछ घरेलू उपाय से काफ़ी हद तक ये ठीक किया जा सकता है, जैसे मुलैठी के सेवन से इसमें आराम मिलता है। तुलसी, हरा धनिया और त्रिफला चूर्ण का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन दूध में हल्दी पकाकर पीना भी थायराइड के लिए अच्छा रहता है। लौकी का जूस पीना भी थायराइड में फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, इसके साथ कुछ नियम आप अपनाएं, 10 दिन में आपको आराम मिलेगा। घर से रिफाइंड तेल बिल्कुल हटा दीजिए, ना सोयाबीन ना सूरजमुखी तेल। भोजन के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करें, तिल का तेल या देशी घी का प्रयोग करें। आयोडीन नमक के नाम से बिकने वाला जहर बंद करें। सेंधा नमक का प्रयोग करें। समुद्री नमक बीपी, थायराइड, त्वचा रोग और हार्ट अटैक रोग को जन्म देता है। दाल बनाते समय सीधा कुकर में दाल डालकर सीटी ना लगाएं, पहले उसे खुला रखें। जब एक उबाल आ जाए तब दाल से फेना जैसा निकाल कर उसे किसी चमचे से निकाल कर फेंक दें, फिर सीटी लगाकर दाल पकाएं। फ्रेंड्स, 2 चम्मच गाजर का रस, 2 चम्मच खीरे का रस, 1 चम्मच पिसी अलसी, तीनों को आपस में मिलाकर सुबह खाली पेट खा लें। इसे खाने के आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। ये इलाज रोज़ सुबह कर लें, 7 दिन में आप परिणाम देख सकते हैं। अगर आपको मेरी YouTube चैनल पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।